coming. Oh, hello, Mr. Merafe. Sit down. Good morning. Good morning, ma'am. Are you Piyush's father? Yes, ma'am. Okay, Abbott. This is his report card. Please can go through it. वहाँ पे साइन करना है अपना नाम और डेट भी लिख दीजिएगा सर। मैं बहुत प्रोग्रेस किया है सिर्फ आपके कारण। आप नहीं होती तो कैसे वो पढ़ता? समझ ही में नहीं आता ना। सर कैसे पढ़ता, एकदम नाच बच्चा है, सिर्फ आप ही के कारण सब कुछ हुआ। आप ही बस ऐसा ही करते रहिएगा। आप तो देवी समान है पूरी। नहीं सर, वो खुद इम्प्रूव किया। नहीं ना, अब आप ही की कृपा है। ऐसे ही करते रहिए बस कृपा, सबके बच्चे को ठीक हो जाएंगे। सर यहाँ पे आपको रिमार्क्स लिखने हैं अपने बच्चे के बारे में कि आपको कैसे लगा आपको उसका स्टडीज और फिर वो साइन और प्रोग्रेस के बारे में। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है क्योंकि उसकी मैम बहुत अच्छी है, सुंदर है, सुशील है, सबको समझाते रहती है, बहुत अच्छा से पढ़ाती है। वाह वाह क्या टेस्ट है, वाह वाह क्या टेस्ट है। मैम डन। हाँ थैंक यू सर। I can go? Yeah, of course. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. पता इसको क्या कहते? इनको बोलते ओवर रिएक्टिंग पेरेंट। Yes, come in. गुड मॉर्निंग मिसेस मेरा। हाँ हो जाएगा पक्का। हाँ ठीक है, मैं ठीक है बात करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो आप पीयूष के फादर हैं? या ओके सर, पर आपको मोबाइल फोन्स अलाउ नहीं है जब यहाँ पे कोई पीडीएम का मीटिंग रहता है। ओके 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 सर, आपको कोई आइडिया है? नहीं मुझे नहीं पता, पर आपके बेटे पूरे 6 सब्जेक्ट्स में फेल हो चुके हैं। पूरे कितने सब्जेक्ट हैं? सिर्फ 6 ही थे और वो पूरे के पूरे में फेल है सर। वो आपको नहीं पता है, इंग्लिश इंग्लिश में तो उसे स्पेलिंग में 0 आए। और हिंदी हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, पर कोई बात नहीं समझा दूंगी। पर मैथ्स मैथ इतनी इजी सम है पर होते रहता है। और आर्ट आर्ट में तो पूछे ही मत। बोली क्यों? पर सर क्लास को तो मैं बता नहीं सकती, क्लास में इतना। एक मिनट मैडम। मैम वन लाइन ट्रांसफर। थैंक यू सर। अच्छा सर सर सुनिए, बच्चा रिजल्ट फेल ही आया है ना, तो क्या हो गया सर? बच्चा अभी फेल तो नॉर्मल ही बात है। बट सर नेक्स्ट मंथ पीछे में तो सर आप ही आएगा सर, और मैडम को लेके एग्जाम आप ही आएगा ना सर। ठीक है, थैंक यू सर। बाय बाय। पैसा पैसा गोड़ी होते पैसा 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 पैसा। ये देख रहे हो इसको इसको ये देख रहे हो ना इसको बाबा, इसको इसको कहते हैं रिच पेरेंट्स, RICH वाला रिच पेरेंट्स। अब भाई ऐसे पेरेंट्स है तो बच्चे और टीचर दोनों को फायदा ही फायदा है। कम इनसाइड। गुड मॉर्निंग मिसेस पल्लव। गुड मॉर्निंग वगैरह छोड़िए, पहले आप मुझे ये बताइए आपने मेरे बेटे को सारे सब्जेक्ट में 0 क्यों दिया है? वही। हाँ वही। छोड़िए छोड़िए, अपने बच्चे के पेपर के डिस्कशन के बारे में आई हूँ तो मैं वही बात करूँगी, और कुछ नहीं बात करना। पहले इंग्लिश, इंग्लिश में उसको स्पेलिंग्स में 0 क्यों दिया है? मैम सारे स्पेलिंग्स उसके रॉन्ग थे। क्या सारे? ए का बी क्या और बी का ए? तो आपको बताना ना है। हाँ तो क्या मार्क्स दो वो तो। हाँ हिंदी, हिंदी में क्यों दिया 0? हम जहाँ पे ये आंसर लिखना है वो आंसर लिख दिया, जहाँ पे मात्रा लिखना था वो मात्रा दे दिया। वो देखो हिंदी हम लोग से भी नहीं बोलता है। ठीक है ठीक है, तो वो बता दो कि बेटा इस मात्रा को ऐसे लिखते और इस मात्रा को वैसे। और रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो आपने ही गलत लिखा होगा बोर्ड पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ
मैथ में क्यों जीरो दिया भाई, मेरा बेटा बहुत तेज है मैथ में, मैथ में क्यों जीरो दिया? मैं मैथ में ऐड करना था, सबट्रैक्ट करना था, सबट्रैक्ट करना था, ऐड कर दिया। ऐड तो बराबर किया ना, सबट्रैक्ट तो बराबर किया ना, तो मार्क्स कहाँ है? वो क्या आठ? आठ में आपने उसे जीरो क्यों दिया? मेरे जो पति है इसके पीयूष के डैड, उसने ना लंदन से डिग्री ली है, लंदन से, और आपने उसे जीरो क्यों दिया? अरे मैम हमने कहा था एनवायरमेंट के पिक्चर बनाने, लेकिन उसने क्या बनाया? एनवायरमेंट? आपने उसकी ड्राइंग भी देखी है? कैसी टीचर के पास मैं आ गई हूँ, एनवायरमेंट मतलब पता भी है, एनवायरमेंट सब इंक्लूड करते हैं, लिविंग हो या नॉन लिविंग जो भी बना। अरे मैम तो लिविंग होगा या तो नॉन लिविंग होगा, तो फिर मार्क्स दो ठीक है। और हाँ नेक्स्ट मंथ जो पीटीएम है ना उसे मुझे मत बुलाना, मुझे नहीं आना तुम जैसे पीटीएम में है, अपने पीटीएम खुद ही रखो, मुझे नहीं आना ठीक है, जाइए। और मेरा बेटा ब्रिलियंट है, तुमसे भी ज्यादा, जाइए 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 जाइए, मेरा बेटा ब्रिलियंट है, इन्हें लेके जाओ। चुप रहिए, गार्ड के मैं खुद जा रही हूँ स्कूल से। इसे कहते हैं कंप्लेनिंग पेरेंट्स। कम इनसाइड। हेलो सर, नमस्ते सर, सत श्री अकाल सर, अरे सर सलाम वालेकुम भी, और सर हेलो सर, अरे सर का नाम क्या है? अरे माय नेम इज, अच्छा नहीं जो भी है, जो भी हो नाम, जो भी हो सर, छोड़ो नाम में क्या रखा है, बात मेरे का, अरे सर आप जो भी सर, अरे मैं तो बड़े खुश हूँ, अरे आप सर बहुत अच्छा पढ़ते हैं सर, आपको बहुत अच्छे हो सर, अरे सर आपको पता है प्रिंसिपल में आपको रख के मस्त काम किया, अरे सर पता एक बात बता, मेरे जो पड़ोस में जो रहे ना, आपका नाम क्या है? अरे मेरे वो बता रही हूँ पहले मैं कंप्लेन, बताइए आपका नाम क्या है पहले? अरे मैं पल्लवी की बेटी हूँ। ओ पल्लवी की बेटी हो? अरे मेरा मतलब है पल्लवी की माँ हूँ। पल्लवी की माँ है आप? अरे चाची मत समझिए, अरे नानी नहीं माँ ही, वो तो मामी अच्छी लगती ही नहीं है, अच्छी लगती है ना थोड़ी और हैंडसम, वो भी नहीं लगती अभी, खाली लगती है। वो तो छोड़िए, मैं बता रही थी ना मेरी पड़ोसी की जो बगल वाली बेटी सोनू, वो दिन हाँ तो मार्क्स देखिए ना, छोड़िए ना वो सब। अरे सर मार्क्स में क्या रखा है, वो दिन भर मेरी बेटी से झगड़ा करती थी, अरे वो तो फेल हो गई और मेरी बेटी पास हो गई दो मार्क्स से, मुझे बड़ा खुश हूँ, मैंने तो कभी उसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो पास हो जाएगा। हाँ बेहोश होने में सर, अरे कहाँ गए फोन, फोन किसका नंबर है? अरे मुझे तो कुछ नहीं आता फोन में भी, अब क्या करूँ? ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ तो अरे सुनिए सोनू ने गया तो अब लगता पड़ेगा, और फिर वो तो गई, और फिर ऐसे वैसे होते गया होते गया होते गया, तो फिर मैंने उससे पूछा कि तेरी बेटी फेल हो गई, उसने मैं तो सबके सामने इतना मजाक उड़ाया, अरे सर ज्यादा नहीं बजे, बस 10 ही तो बजे रात सर, मैं 12 बजे तक बात करती हूँ। हाँ तो फिर वो बेहोश हो गया वापस, सही में मुझे जाना होगा, चाहिए यहाँ से जल्दी। फिर तुम ऑफिस में इसे कहते चपड़ गंजू पेरेंट्स। अरे आप टीचर है कि कॉमेडियन शो वाली? अरे सर आप कहाँ घुसे जा रहे हैं सर, आप 5 मिनट लेट है, 5 मिनट क्या सर, पीटीएम 5 मिनट पहले खत्म हो चुका है। ओ 5 मिनट बाद शुरू होगा तो मैं यहीं पे वेट कर लेता ना, क्या दिक्कत है सर, 5 मिनट पहले खत्म हो चुका है पीटीएम। क्या सर 5 मिनट पहले पीटीएम खत्म हो चुका है? तो मैं कहूँ 5 मिनट बाद पीटीएम शुरू होगा सर, खत्म हो चुका है। अरे शुरू होगा ना सर, आपको टाइमिंग पता है पीटीएम का? हाँ क्या था? 12:45 टाइम क्या हो रहा है? अभी बज रहा है 12:45 क्या 12:45 भी बज रहा है, ये इनसे छुटकारा पाने के लिए लगता रिपोर्ट का तेल पानी पड़ेगा, पकड़ लिया पीयूष का रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि पीयूष वैसा वैसे उसके पापा। अरे मैम ये तो रिपोर्ट कार्ड है, इसे गोबर कार्ड क्यों बोल रहे हैं? अरे सर आपको पढ़ने नहीं आता है? मैं तो प्रिंसिपल को कंप्लेंट करने वाला कि आपको पढ़ने वढ़ने नहीं आता। सर मैंने रिपोर्ट कार्ड, फिर गोबर कार्ड बोल रही हैं सर, आप साइन करिए रिपोर्ट कार्ड। क्या जी?
साइन ओ ई वाला साइन एस आई एन जी ई सर साइन नाम ओह सिंगिंग करे अकाउंट नंबर लीजिए देते हैं अरे नहीं नहीं सर साइन ये मैम को जो मेरा साइन है ओह व्हाट्सएप का साइन सर यहाँ पे भी मार्क्स लिखना है और फिर यहाँ पे भी साइन करना है मैम ये मैंने तो अपने शॉर्ट के शॉर्ट के शॉर्ट के शेयर शॉर्ट में साइन किया था इसमें खोल कर लेता बहुत जगह चलो कहाँ से कहाँ यहाँ इधर से इतनी लंबी साइन को शॉर्ट बोलते अरे सर 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 आधा पेज खत्म हो गया वाला है अरे सर बस हाँ अब हो गई इतनी और मैं लिख देता हूँ अपना वेरी वेरी बैड टीचर एंड माय बॉय इज वेरी गुड अरे चलिए चल निकलिए टाइम ऑलरेडी खत्म हो गया क्या जी निकलिए यहाँ से अब टाइम खत्म हो चुका है अरे मेरे पेरेंट्स से मीटिंग हो गया है हमका है अब यहीं पे रहे हम जा रहे हैं तो सर वही तो मैं भी बोल रही हूँ जाइए फिर आप बोल दिए रहने के लिए मिठाई उठाई बटेगा क्या अरे सर मैं गार्ड को बुला देंगे चलिए निकलिए यहाँ से किसको बुला देंगे पति को मेरा शादी नहीं हुआ सर आपको शादी हो गया बच्चा भी हो गया ओ बहुत अच्छा सर निकलिए सर निकलिए हम नहीं निकले गए सर हम निकलते कि नहीं तो आप अपने पैकेट में से पैसे निकाले आप किडनैपिंग के लिए मेरा सर पे क्यों मार रही है उसे चोट नहीं लगेगा मैं आपको देता हूँ कुछ मारने नहीं नहीं सर अब जाइए कहाँ जाइए जाइए बाथरूम में जाए हाँ हाँ ना बाथरूम में नहीं जाए ठीक मैं नहीं कर रहा आप बोलिए कहीं ना जाऊँगा जाइए आइए नहीं आए अरे नहीं अंदर तो है ही आइया आप गधा अरे मैम मुझे पढ़ना नहीं आता सर आप जाइए आप जाइए 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 या फिर निकल जाइए एक मिनट मैडम अरे अरे सर वापस क्यों आ गए हम आप दोनों को जाके आइए मैं जाके आ गया अब क्या करना एक चीज मेरे अगर जहर ला दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी क्या आप ना मुझे घर ही देना चाहते हैं फिर क्या क्यों आया हम तो अंदर आए ही हाँ जाइए वापस जाइए वापस इससे पहले ये मैं भी होता ना नहीं कर लेते अरे मैम क्या हुआ अरे मैम मर गई चलो मैं तो घड़ी लेके भाग जाता अरे मेरी घड़ी छोड़ नहीं अरे 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 मेरा घड़ी एक नंबर तो चोर है इधर आप इधर इधर मैं आपको बता कि इस पेन को क्या बोलता है इनके लिए तो मैं हजारों नाम रखी हूँ एक चोर नंबर एक पेरेंट्स दूसरा पकाऊ पेरेंट्स तीसरा कान के बहरे पेरेंट्स तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दें शेयर सब्सक्राइब और सब कर देना बाबा हमेशा वीडियो देखते हो पर कभी भी लाइक तो करते नहीं हो और हाँ वो जो घंटी होता है ना या घंटा बोलो उसको भी बजा ही देना अगर उसको नहीं बजाए तो नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा तो फ्रेंड्स अब उसे बजाओगे तो मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा ताकि हम लोग जो न्यू वीडियो बनाते हैं वो आपको मिल जाए तो अब तक के लिए बाय फ्रेंड्स हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में बाय।